देखिए झारखंड के अंदर आज तक रघुवर सरकार ने उन 57 लाख परिवारों की सूची नहीं जारी की जिनको इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना है। अब आप बोलेंगे जी सूची नहीं भी जारी हुई तो क्या समस्या है, नहीं भी जारी हुई तो समस्या ये है कि अगर वास्तव में 57 लाख परिवारों को मिलना है और अगर सूची नहीं जारी होगा तो 57 लाख परिवारों का प्रीमियम तो बीमा कंपनियों को सरकार दे देगी, लेकिन उस 57 लाख परिवारों को पता ही नहीं चलेगा और आज भी नहीं चल रहा है कि जी हमको भी आयुष्मान भारत का जो है लाभ मिल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये एक नोटिस जो है 30 अगस्त 2018 को एक साजिश के तहत केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिख के जारी किया। इसमें कहा गया कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 है उसी के आधार पर जिन लोगों जिन परिवारों का नाम उस कास्ट सेंसस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में दर्ज है उनको ही लाभ मिलेगा, और उसमें भी किनको किनको नहीं मिलेगा आपको सुन के हैरानी होगी। किसी के पास भी अगर दो पहिया वाहन होगा, कोई टेम्पू चालक होगा तीन पहिया वाहन का मालिक, उसको इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। कोई किसान है अगर उसको 2.5 एकड़ भूमि अगर उसकी सिंचित है और उसके पास एक कोई सिंचाई का व्यवस्था है तो उसको भी जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाखों ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिनके पास भूमि जो है 5 एकड़ 10 एकड़ है लेकिन खेती में वो खेती करके कर्ज में डूब जाते हैं, उल्टा जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई एक डिलीवरी बॉय है वो 10,000 कर्जा करके 2 व्हीलर खरीदेगा नौकरी पाने के लिए और उसको आप बोलेंगे कि जी आपको तो आयुष्मान भारत में जो है नहीं आपको हम लोग इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो जब आप इतना क्राइटेरिया लगा दे रहे हैं तो ये 57 लाख परिवार है कौन, इसकी सूची रघुवर सरकार को जारी करनी चाहिए। नहीं तो जो कृषि बीमा का हुआ था जिसमें किसानों से प्रीमियम ले लिया, सरकार ने प्रीमियम दे दिया प्राइवेट कंपनियों को और जब मुआवजा देने की बारी आई तो वो गायब हो गए। ये पूरा जो प्रक्रिया है इसका आम आदमी पार्टी सख्त विरोध करती है और ये भाजपा जो हर बार जो ये कोई भी योजना सिर्फ इसीलिए लाती है ताकि इनको अपने मित्रों को जो इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं उनको ये प्रीमियम का पैसा देके घोटाला कर पाएं।